भाई इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कौसा चरनीपाड़ा में रहने वाले अफजल खान ने अपने 4 माह के बेटे नुमान को किसी चीज़ से मारा है जिसके निशान बच्चे के शरीर पर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये घटना लगभग 15 दिन पहले की बताई जा रही है, मगर अब सोशल मीडिया में इस बच्चे की पिटाई की तस्वीरें वायरल हो रही हैं और बच्चा बिलाल अस्पताल में भर्ती है। बच्चे की उम्र 4 माह है, उसके माता का नाम आफरीन और पिता का नाम अफजल खान है। अफजल खान ऑटो रिक्शा चलाता है और जानकारी के मुताबिक जब से बच्चे की पिटाई हुई है तब से ही बच्चे की तबीयत ठीक नहीं चल रही है। उसे कई बार बुखार भी आ चुके हैं, मगर लूज मोशन होने की वजह से बिलाल अस्पताल में बच्चे को भर्ती किया गया है। ये भी बात सामने आई है कि बच्चे की माता और पिता में भी झगड़े होने की वजह से दूध नहीं पिला रही थी, मगर फिर उसे उसकी माँ ने दूध पिलाना शुरू किया। मगर बच्चे को आखिर क्यों मारा, इस तरह से बच्चे के पिता ने मारा, उसका कहना है कि बच्चे की माँ को दूध नहीं होता था, इसलिए दोनों में विवाद हुआ और बच्चे को मारा। बच्चे के शरीर पर कई जगह मार के निशान थे। वहीं बच्चे के माँ की मामी आसमा ने बताया है कि बच्चे को उसके पिता ने अफजल ने मारा है, तभी से उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मगर अब उसकी तबीयत काफ़ी बिगड़ने लगी थी तब उसे बिलाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मगर 4 माह के बच्चे की पिटाई पर उसके पिता अफजल खान और उसकी मामी ने क्या कहा है, सुनिए। ये जो बच्चे को मारने की बात सामने आ रही है कि बच्चे के माँ बाप ने जो है बच्चे को मारा है, तो बच्चे के माँ बाप का क्या नाम था और उस बच्चे का क्या नाम है? बच्चे के बाप का नाम अफजल है और माँ का नाम आफरीन है और बच्चे का नुमान है। 15 दिन पहले हम लोग इसके घर गए थे, आफरीन का फ़ोन आया था कि तबीयत ख़राब है, मेरा झगड़ा हो रहा, आओ। हम मिलने गए, मिल के आ रहे थे, आजू बाजू वाले बोले कि ये मारता पीता नशा करता, तो हम लोग इसको समझा के करके आ गए, समझा के करके आ गए। उत्ते में इसने बच्चे को ली, बच्चे की खाला है, लड़की की जो खाला है ना, उसने बच्चे को ली हाथ में, तो वो कपड़ा हटाए ना तो उसके पूरे मार के निशान, तो उधर ही भड़क गए हम लोग, ये कैसा मारे। तो इसने बोला कि गलती हो गई मुमानी मेरे से, मैंने गुस्से में मार दिया, आइंदा मेरे से ये गलती नहीं होगी। अच्छा, कितने दिन पहले? 20 दिन पहले की बात है। अच्छा, आप मुमानी लगती जी? मुमानी हूँ मैं। कहाँ रहते आप इधर? मैं ये भोलेनाथ नगर। तो इन्होंने गलती अपने खुद ने बोले कि मेरे से गलती हो गई। अच्छा, अभी बिलाल हॉस्पिटल में बच्चा एडमिट है नुमान जी, तो इसकी तबीयत कब बिगड़ी? ये कल रात में हम लोग, इसका झगड़ा चल रहा था बीवी से, तो हम लोग रात में मिलने गए तो वो बच्चा इतना सीरियस था, तबीयत बहुत बुखार, 103 बुखार था, तो उसको कपड़े से पोछे करे, फिर पूरे दवाखाने, कोई दवाखाना ऐसा नहीं जहाँ घूमे नहीं हम लोग ने, कोई एडमिट कराया नहीं, फिर वो नगर सेवक जफर नुमानी है, उन्होंने यहाँ पे बात करके एडमिट कराया। अच्छा, ऐसा भी बात सामने आ रही थी कि माँ जो है बच्चे को दूध पिलाने के लिए नहीं आ रही थी? अभी ये तो हाँ बोल रहे थे कल, वो इनका इनका मैटर चल रहा है, तो वो बोलते ये जाएंगे तो मैं नहीं आऊँगी, वो जाएंगे तो ये नहीं आएंगे, ऐसा। तो ये चक्कर में बच्चे को दूध पिलाने के लिए नहीं आ रहे? ये बात है। आपने बच्चे को मारा था क्या? मैं क्या बोल रहा आपको भाई, बच्चे को कोई मारता नहीं है क्या? कोई बच्चे को अपने मारेगा क्या? छोटे बच्चे को तो 3 महीने के बच्चे को कोई मारेगा क्या? बच्चे को आप मेरे को ये बताओ, मास्क लगाओ, आप पहले मास्क लगाओ, और बच्चे को निशान कैसे आया? अगर मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ आप बताइए पहले, बच्चे के ऊपर निशान कैसे आया? मैं क्या बोल रहा हूँ, आप ये सब है ना, आप ये इशू है ना, आप मत करो, एक ऐसा कोई मामला नहीं है, क्योंकि अभी सीनियर डॉक्टर ने ऊपर जाके खुद चेक किया है और खुद उसने देख के बताया है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं। बच्चे को आपने 10-15 दिन पहले मारे थे, वो क्यों हो रही है? लूज मोशन से हो रही है, मारने से, तोड़ने से, कढ़ाई में डालने से नहीं हो रही है, लूज मोशन से हो रही है। मास्क लगा पहले, मास्क, सीनियर से अभी मेरी बात हुई है, मास्क लगाओ आप। आपने मारे थे या नहीं मारे थे आपने 10-15 दिन पहले? अरे मेरे एक आध हाथ लग गया था भाई बच्चे को, मेरे एक आध हाथ लग गया था बच्चे को। वजह क्या थी आखिर 2 महीने के बच्चे को मारने की वजह क्या है? क्या वजह थी आखिर, इतना गुस्सा क्यों आया आपको? गुस्सा इसके लिए आया, मास्क लगाइए ना आप, मास्क लगाइए। गुस्सा इसके लिए आया कि माँ के पास में है ना फीडिंग नहीं है, तुम अब भी दूध दो, तुम कल दो, तुम अब भी दो, तुम वो दो, वो बात पे छोटी मोटी हो गई तोड़ तक रहा, बाकी और कुछ नहीं है, कोई इशू नहीं है,
कोई बहुत बड़ा कोई वो नहीं है मसला। अच्छा, जैसे आपकी मवानी जो बता रही थी कि पहले हाँ। आपकी वाइफ ने बच्चे को मारा, फिर गुस्से में आके आपने भी मार दिया। मतलब मारा मतलब उसने भी ऐसा नहीं मारा हाँ। ना मैंने भी ऐसा नहीं मारा हाँ। लेकिन क्या कमजोरी, बच्चा एकदम कमजोर है, स्किन कैसी रहती है, तो वो निशान उसके ऊपर आया बस। मगर वही बच्चे की हालात अब ठीक है। अस्पताल की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि बच्चे को लूज मोशन की शिकायत थी जब उसे अस्पताल में भर्ती किया गया था, और अब बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। मगर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर माता पिता के झगड़े में 4 माह के बच्चे को आखिर क्यों मारा गया। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।